तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार ने बलियापुर क्षेत्र के बीबीएम कॉलेज के पास पलटी मार दी। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि कार बलियापुर की ओर से सिंदरी की ओर तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी अचानक संतुलन खो दिया और कार पलट गई, जिसके बाद इसकी सूचना बलियापुर पुलिस को दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। कार में सवार लोगों को सुरक्षित बिना किसी चोट के बाहर निकाला गया। पलटी मारे हुई वाहन को पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर जब्त कर थाने ले गई। बलियापुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वाहन में सवार लोग सिंदरी के बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित घर पहुँचा दिया गया है। देखिए, घटना तो ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 15-20 मिनट हुआ है। बलियापुर तरफ से आ रही थी गाड़ी और जो चालक था वो बता रहा है कि आते वक्त आँख में उसका झपकी लग गया था, मतलब नींद टाइप का आया था और उसको कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे ही वो गाड़ी इधर आया, पहले तो वो पोल में टक्कर मारा और बता रहा है चालक कि एक ट्रेलर भी जा रहा था इधर, उसी के कटिंग चलती पोल में लगा, उसके बाद इधर से आके टर्निंग पॉइंट में घूम के उसका स्ट्रिंग घूम गया, जिसके चलते गाड़ी पलटी हो गई। कितने लोग सवार थे इसमें? 3 सवार थे, एक जेंट्स थे, 2 लेडीज थे। माना किसी तरह के कोई हताहत नहीं हुआ? कोई हताहत नहीं है, सब सेफ है, तीनों सेफ है। कुछ पता चला कहाँ का रहने वाले हैं वो लोग? बता रहे तो वो लोग दूर से ही आ रहे थे, धनबाद या कहीं से आ रहे थे, वो लोग तो रहने वाले सिंधी के ही हैं, बताइए। अभी पुलिस पहुँच चुकी है यहाँ? हाँ, प्रशासन तो आ गई थी, समय पर प्रशासन आ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार महतो। कहाँ के रहने वाले? यहीं खास बीबीएम कॉलेज, नियर बीबीएम कॉलेज।